हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कंवल स्टार्ट कॉम में मैं कंवल आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बेजिन का जो डार्क ब्राउन शेड है उसको आपको कलर करने का तरीका बताऊंगी। ये लोग क्लेम करते हैं कि इसमें कोई भी अमोनिया नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जो है प्लेन वाटर के साथ मिक्स करना है। इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ब्यूटीफुल एंड ट्रू टू लाइफ कलर्स एंड लास्ट लेट्स लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा जो है बाल लंबे भी रहेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे, कोई भी अमोनिया नहीं है जो बालों को नुकसान पहुंचाए। इजी है इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ पानी मिलाना होता है। स्मार्ट सेविंग, ईजी टू डिवाइड इन सेवरल यूजेस, यानी कि आप आधा यूज़ करें आधा बाद में यूज़ करें, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नेचुरल एसेंस है इसमें, ऑरिटेन बेरी एक्सट्रैक्ट्स जो है इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे शेड्स मिल रहे हैं, गोल्डन ब्राउन, ब्लू ब्लैक, डीप बर्गुंडी, बहुत सारे शेड्स मिल रहे हैं। स्टेप टू में आ जाता है कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमें अंदर से इस तरह का एक पैकेट में वसूल होगा जिसमें एक छोटी सी बोतल होगी जिसमें कलर मौजूद होगा, और एक अलग से जो है मुझे वो केप भी मिला है जिसकी मदद से हम पानी डाल सकते हैं। जितना चाहें हम कलर इस्तेमाल करें, वापस इसको बंद करके रख सकते हैं। इस केप की मदद से हम लोग जो है आराम से इसमें यानी कि यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक ब्रश चाहिए होगा ताकि मैं इसको कलर बनाऊं। मैं जिसके बालों पे कलर अप्लाई करने वाली हूँ, ये पूरी बोतल वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। उसके अलावा मुझे पानी चाहिए, ये पिंक ग्लास पे पानी है, और मुझे एक एम्प्टी बाउल चाहिए। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो इसका जो कंटेनर इन लोगों ने दिया हुआ है उसमें पानी निकाला है, और अब मैं इसको खोलूँगी। ये थोड़ा सील है तो मुश्किल से खुल रहा है। ठीक है जी, ये मैंने इसको खोल दिया है। अब ये देखें, इस तरह की एक छोटी सी बोतल होगी, बहुत ही क्यूट सी बोतल है ये। अब इसको जो है मैंने निकाल लिया है, और मैंने आपको बताया कि जिनके बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ उनके बाल इतने हैं कि ये पूरी बोतल उस पर वहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। सूजी की तरह एक पाउडर निकलेगा, खुशबू इसमें कोई भी नहीं है, सिंपल सा है। प्लेन वाटर के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और जितना पानी चाहिए हम डालते जाएंगे, ये नहीं कि एक ही डालेंगे। देखिए जितना मुझे इसमें तकरीबन 4 से 3 मैंने डाले थे ये कंटेनर, और ये कलर मेरा बन गया है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने जो है बालों को जो है पार्टीशन में कर लिया है, सारे बालों को जो है वो मिक्स कर लिया, अलग कर लिया है, और एक हिस्सा जो है इसका वो मैंने अलग से निकाल लिया है ताकि इसमें मैं कलर करूँ। ताकि सारे बालों में लगाऊंगी तो बहुत गड़बड़ी सी और पता नहीं किस तरह से हो जाएगा। ये मैंने कलर अप्लाई करना इन पर शुरू कर दिया है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसमें कलर जो है ये पार्ट एक निकाला था उसमें मैंने कलर लगा दिया है। अब इसको कॉम की मदद से मैं लगाऊंगी, और इस तरह से मैं पूरे बालों पे कलर करती जाऊंगी, और जो है एक हिस्से को जो है वापस से केचर से या किसी ऐसी चीज़ से जिसे वो बैंड हो जाए उस बंद करती जाऊंगी। फ्रेंड्स, आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं भी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और हम न्यू हैं, हमें आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।